कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो। दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है। कांग्रेस की सोच दिल्ली का अपमान है। जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंह। साल 2016 में जेएनयू में लगे देश विरोधी नारे तो याद होंगे आपको, और जिस शख्स पर देश के टुकड़े करने वाले नारे लगाने के आरोप लगे थे उसे भी आप अच्छे से जानते होंगे। जी हम बात कर रहे हैं बिहार के लाल कन्हैया कुमार की, जो उस वक्त भी भारत सरकार के लिए मुसीबत बने हुए थे और अब एक बार फिर सरकार और बीजेपी के लिए टेंशन बन गए हैं। मामला लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। चुनाव से ऐन वक्त पहले कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही बीजेपी के दो बार के सांसद रह चुके मनोज तिवारी भी तीसरी बार मैदान में हैं। अब कन्हैया कुमार के सामने आ जाने से जहाँ बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, तो वहीं अब ये मुकाबला बिहारी वर्सेस बिहारी हो गया है। दोस्तों, 19 अप्रैल से देश में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने आखिरी तुरुप के इक्के फेंकने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के चुनावी मैदान में खासतौर पर तीन राजनीतिक दलों में टक्कर होती है, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। अब क्योंकि कथित शराब घोटाले के फेर में फंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आधी से ज्यादा पार्टी सलाखों के पीछे है, इसलिए अब दिल्ली का महामुकाबला साफ तौर पर कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया है। केजरीवाल के जेल में जाने और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार ना कर पाने से एक तरह से बीजेपी कांग्रेस का काम काफी हद तक आसान हो गया है, इसलिए अब ये दोनों पार्टियां अपने सूरमाओं को मैदान में उतार रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 10 नामों की अपनी 13वीं लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी के सामने राहुल गांधी के राइट हैंड कन्हैया कुमार को उतारा गया है, जिससे अब ये महामुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो गया है। और कन्हैया ने भी टिकट मिलते ही बीजेपी पर फिर से अपने आक्रामक अंदाज में हमला बोल दिया है और मनोज तिवारी से काम का हिसाब मांगा है। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है, तो दो टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं, अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है, तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है, इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। कांग्रेस के इस फैसले ने जहां बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं मनोज तिवारी के दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में हर सीट पर इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं, सिवाय एक उम्मीदवार के, और वो है मनोज तिवारी। पीएम मोदी के सच्चे और भरोसेमंद सिपाही माने जाने वाले मनोज तिवारी को इस बार भी तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली के मैदान में उतारा गया है। तो वहीं बीजेपी की ओर से एंटी नेशनल का टैग लगाने के बाद भी कन्हैया कुमार की अपनी फैन फॉलोइंग है। देश का एक बड़ा युवा वर्ग कन्हैया कुमार को काफी पसंद करता है, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है, तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है, इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है, और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही, तो इसी बहाने
उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखिएगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास। तो अब ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर क्या वजह है जो पार्टी में इतने सीनियर लीडर्स होने के बाद भी कांग्रेस ने एक युवा नेता पर दांव खेला है। दरअसल कन्हैया अपने तीखे बयानों से अक्सर बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके ये तेवर देश के एक खास वर्ग के युवाओं को काफी आकर्षित करते रहे हैं। अब पिछले ही दिनों में उन्होंने बीजेपी के लिए यहाँ तक बोल दिया था कि ये पार्टी नाथूराम का एजेंडा देश में फैला रही है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिवाद परिवारवाद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इससे साफ तौर पर उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ था। अब कन्हैया के चुनावी मैदान में सामने आ जाने से मनोज तिवारी और बीजेपी के सामने क्या समस्या आ सकती है, ये जानने से पहले एक बार कन्हैया कुमार के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले जानते हैं कौन है कन्हैया कुमार। कांग्रेस के टिकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे कन्हैया कुमार को राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता है। वो राहुल गांधी की दोनों यात्राओं में काफी एक्टिव नजर आए थे और बड़ी संख्या में युवाओं को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ने में कामयाब रहे थे। कांग्रेस में आने से पहले कन्हैया सीपीआई में थे। कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर उन्होंने पहली बार 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गए। कहा जाता है कि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते थे। इसकी वजह बताई जाती है कि कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता को लालू बिहार में तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती मानते हैं। मौजूदा दौर में कन्हैया कुमार एनएसयूआई के प्रभारी हैं और कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं। इससे पहले कन्हैया जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2016 में उन्हें देश विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कन्हैया कुमार पर तब देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। और तब से ही बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुके कन्हैया कुमार को एंटी नेशनल कहा जाने लगा। इस पर भी कन्हैया बीजेपी को घेरते हुए पलटवार करते हुए कहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे जिनको फर्क पड़ता है वो आपके बारे में बुरा भला कहेंगे ही। कोई अगर मुझे दुश्मन मानता है तो वो मेरी तारीफ तो बिल्कुल नहीं करेगा, मेरी बुराई ही करेगा और ऐसी बातें बोलेगा जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। अब आपको बताते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बिहारी के सामने दूसरा बिहारी उतारने से कांग्रेस को कैसे फायदा होगा। दरअसल दिल्ली के इस इलाके में पूर्वांचल के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ बड़ी संख्या में कच्ची यानी अनाधिकृत कॉलोनीज हैं, जहाँ यूपी बिहार के अलावा हरियाणा से आए लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर 2020 में हुए दंगे भी इसी इलाके में हुए थे। इसके बाद से पूरी दुनिया में इस इलाके को अति संवेदनशील माना जाता है। इस बार के चुनाव में यहाँ बड़े लेवल पर ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी काफी बड़ी संख्या में है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर, करावल नगर, जाफराबाद, मोजपुर, बाबरपुर जैसे इलाकों में करीब 21% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब कांग्रेस का मानना है कि एंटी बीजेपी होने की वजह से कन्हैया कुमार को इसका फायदा मिल सकता है। इधर भोजपुरी एक्टर और सिंगर होने की वजह से मनोज तिवारी पूर्वांचल के लोगों में काफी फेमस हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलावा देश भर में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उधर कन्हैया कुमार के भी चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। देश का बड़ा युवा वर्ग कन्हैया को सुनना चाहता है, क्योंकि वो युवाओं से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठाते हैं। इसी वजह से कांग्रेस को लगता है कि कन्हैया कुमार सीधे सीधे मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब देखना होगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता इस महामुकाबले में दो बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी का स्टार्डम चुनती है या फिर बेबाक कन्हैया कुमार को सांसद बनाती है। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस के इस दांव ने बीजेपी के लिए जीत की राह में कई रोड़े जरूर अटका दिए हैं। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।